उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लगने वाले धार्मिक मेले में दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। गालीबाज दरोगा मेले में आए दुकानदारों के साथ हाथ में डंडा लेकर गाली देते हुए उनके साथ बदसलूकी करते हुए दुकानें बंद करा रहा है। मेले के ठेकेदार दो गुटों की रंजिश की बात कहकर भारी नुकसान की बात कह रहा है। पुलिस के अधिकारी ने इस पूरे मामले में कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा के थाना डिडोली के गांव पूरनपुर का है। गांव में होली बीत जाने के बाद पहले मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोग इस गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार यहां आकर पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस बार मेले को एक दिन की परमिशन दी गई, जो कि आज के ही दिन मुख्य मेला लगता है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई थी, जिसके चलते दरोगा उमेश चंद्र गुप्ता ने दुकानदारों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। कुछ दुकानदारों की दरोगा ने पिटाई भी कर दी, जिससे कुछ दुकानदार दरोगा की दबंगई के चलते दुकानें लेकर चले गए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तर्ज पर दरोगा दुकानदारों को गालियां देते हुए दुकान बंद करा रहा है। जब इस मामले पर हमने ठेकेदार से जाना तो उसने बताया कि हमने तो मेले की परमिशन भी ली है, तब भी पुलिस ने रंजिश के चलते हमें नुकसान पहुंचा दिया। जब इस मामले पर हमने पुलिस के आला अधिकारी से जाना तो उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान को बंद कराने के आदेश नहीं दिए गए हैं तथा दरोगा की बदसलूकी बोलने से मना कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस के अधिकारी गालीबाज दरोगा पर क्या कार्यवाही करते हैं या यूं ही आम गरीब लोग पुलिस की दबंगई का शिकार होते रहेंगे। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मोहम्मद शाकिर है, परमिशन सालाना मेरे नाम से होती है, लेकिन इसे क्या के फिटनेस वालों की, मुरादाबाद वालों की, मनोरंजन वालों की और इसे क्या फाइबर वालों की और कोत वाली की परमिशन मेरे पास है। DIGM साहब का आपके भी IGM मेरे पास परमिशन है। इसके बाद यहाँ के इसे क्या आगे आपस में इसे क्या आगे इसे आपस में रंजिश में हमारा झूला बंद कराया है। उन्होंने इसे क्या आगे दो दिन की मिलती है, अपने IGM साहब ने एक दिन की परमिशन दी है। हमें कम से कम 5 लाख रुपये का घाटा है। अब इसकी भरपाई कैसे पूरी होनी है हमारी बताइए। अब इसे नहीं देनी तो इसे माल नहीं लगाते, नहीं हम माल लेकर आते, हम माल लेके नहीं आते। प्रशासन ने आते सब डंडा बजाया हमारे लोगों को, माल खुलवा दिया, माल सब खुला पड़ा खुल दिया हमने। परमिशन नहीं मिलती, हमें कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल इस बात की, समझ गए। परमिशन देने का फायदा क्या हुआ, यानी कि हमारी दाढ़ी को देख कम से इसे बदतमीजी की जा रही है, यानी हमारे चेहरे को देख के बदतमीजी की जा रही है। ये कोई इसे ना इंसाफी चल रही है, इसे गुंडागर्दी चल रही है बिल्कुल सारी। कोई सूचना दी गई थी आपको के परमिशन? मुझसे कुछ नहीं कही। अच्छा, कोई पहले गया था कि आप बंद कर लो क्या? ना, ना कोई नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से आए हो आप लोग? आपका मोहम्मद आरिफ। क्या मामला था पूरा? जो दुकान चला रहे थे, मेले में ठेकेदारों ने बुलाया था। हाँ, चालक पुलिस ने आकर चार्ट मार दिया कि बंद करो बंद करो। किस चीज़ की दुकान है आपकी? छोटी। अच्छा, तो क्या था पूरा मामला? बस मेले की परमिशन भी है, अचानक में आकर चार्ट मार दिया। अच्छा, बंद करो बंद कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.